आईपीएल सीजन 13 यूएई में 19 सितंबर से शुरू होगा, लेकिन इससे पहले ही आईपीएल में खिलाड़ियों की भागीदारी को लेकर लगातार खबरें आ रही हैं। अब रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज केन रिचर्डसन ने अपना नाम टूर्नामेंट से वापस लिया है, क्योंकि उनकी पत्नी पहले बच्चे को जन्म देने वाली है और ऐसे वक्त पर रिचर्डसन परिवार के साथ रहना चाहते हैं। रिचर्डसन ने कहा कि आईपीएल जैसी प्रतियोगिता से पीछे हटना हमेशा मुश्किल होता है, ये दुनिया की सबसे ज्यादा रोमांचक लीग है, इसीलिए ये आसान फैसला नहीं था, लेकिन जब मैंने बैठकर इसके बारे में सोचा तो ये निश्चित रूप से सही था। कोरोना वायरस महामारी की वजह से पाकिस्तान सुपर लीग अधर में रह गई है, लेकिन अब उसके बाकी बचे मैच की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। पाकिस्तान सुपर लीग के बचे हुए सभी 4 मैच नवंबर में लाहौर में खेले जाएंगे, इस बात की जानकारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दी है। अमेरिका ओपन में शानदार आगाज करने वाले सर्बिया के स्टार टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच तीसरे दौर में पहुंच गए हैं। जोकोविच ने दूसरे दौर में इंग्लैंड के काइल एडमुंड को मात दी। उन्होंने एडमुंड को 6-7, 6-3, 6-4, 6-2 से शिकस्त दी। साल के आखिरी ग्रैंड स्लैम में जोकोविच तीसरे दौर में जेन लेनार्ड से भिड़ेंगे। यूएस ओपन खिताब जीतने की रेस में जोकोविच प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। पिछले महीने यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट से अपना नाम वापस लेने वाली कार्ला सुआरेज़ नवारो कैंसर से पीड़ित हैं। विश्व की पूर्व नंबर 6 खिलाड़ी कार्ला सुआरेज़ ने बताया कि उन्हें रक्त कोशिकाओं से जुड़ा हुआ कैंसर है। इसके उपचार के लिए उन्हें 6 महीने तक कीमोथेरेपी करानी पड़ेगी। 32 साल की सुआरेज़ नवारो ने ट्विटर पर शेयर किए अपने वीडियो में कहा है कि मैं अभी ठीक हूँ और जो भी होगा उसका सामना करने के लिए तैयार हूँ। ब्राज़ील के स्टार फुटबॉलर नेमार पेरिस सेंट जर्मन के उन 3 खिलाड़ियों में शामिल हैं जो कोविड-19 टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं। नेमार के अलावा डी मारिया और परेडेस भी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। पेरिस सेंट जर्मन ने खिलाड़ियों का नाम नहीं बताया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में नेमार को भी कोरोना पॉजिटिव बताया गया है। पेरिस सेंट जर्मन ने पिछले महीने चैंपियंस लीग के फाइनल में बायर्न म्यूनिख से हारने के बाद से कोई भी मैच नहीं खेला है। इंडियन सुपर लीग के अगले सीजन के लिए ओडिशा एफसी ने ब्राजील के अनुभवी फुटबॉलर मार्सेलिन्हो के साथ करार किया है। 33 साल के मार्सेलिन्हो का ओडिशा एफसी के साथ 1 साल के लिए अनुबंध हुआ है। इससे पहले फॉरवर्ड खिलाड़ी मार्सेलिन्हो आईएसएल में दिल्ली डायनामोज, एफसी पुणे और हैदराबाद एफसी की ओर से खेल चुके हैं। मार्सेलिन्हो ने 2016 सीजन में दिल्ली डायनामोज की ओर से खेलते हुए 15 मैच में 10 गोल करके गोल्डन बूट हासिल किया था। स्पेन के फुटबॉल क्लब बार्सिलोना से अलग होने को लेकर लियोनेल मेसी पिछले काफी दिन से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्लब उन्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अब इस मुद्दे को सुलझाने के लिए मेसी के पिता जॉर्ज अर्जेंटीना से बार्सिलोना पहुंचे हैं। जॉर्ज मेसी लियोनेल मेसी के एजेंट भी हैं। मेसी के पिता बार्सिलोना क्लब अध्यक्ष जोसेफ बारटेम्प्यू और टीम के अन्य अधिकारियों के साथ मुलाकात कर सकते हैं। यू स्टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।